प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने युवक को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर के कुदाल गांव की घटना। प्रेम प्रसंग में हत्या के बाद फैली सनसनी। हत्या या आत्महत्या दोनों पहलुओं पर छत्तीसगढ़ पुलिस बारीकी से जांच में जुटे। लड़की के फोन पर मिलने गया था युवक, फिर मिला शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कुदाल गांव से एक हत्या का मामला सामने आया, जहां एक युवक का शव मिला। या पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा। रविवार को लड़की ने फोन करके प्रेमी को घर बुलाया, तभी इस बात की जानकारी लड़की के परिवार को लगी तो परिवार वालों ने लड़के को जमकर पीट दिया और गांव की कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। कुदाल गांव के ग्रामीण और परिवार जन सिटी कोतवाली पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज की है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि लड़की वालों के परिवार ने मेरे भतीजे की जमकर पिटाई की, इसी कारण से उसकी मौत हो गई और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, मारपीट करने से मौत हुई है या उसने खुद आत्महत्या की है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहां ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि न्याय नहीं मिला तो चक्का जाम करेंगे। मैं धनेश्वर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ, ग्राम कुमली से। मेरा भतीजा को खुदा गांव घाट लोगा में मरते मार दिए हैं एक फैमिली ने, एक कैलाश ठाकुर के फैमिली ने, क्योंकि वो लड़की, उनके यहाँ की लड़की उसको बुलाई थी फोन करके, तो आधी रात को गया था लड़का, उसको पूरा मरते मार दिए हैं। हम लोग को पता चला सोमवार को पता चला है, जबकि ये घटना इतवार का है और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। अस्पताल भीमरापाल में ले गए, 108 में लोग ले गए। अभी हमको पूरा उनको फैमिली को अरेस्ट करना चाहते हैं, पूरा फैमिली बुला के मारे हैं, पूरा फैमिली को अरेस्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, पुलिस ऐसा नहीं कर पाती अभी, तो क्या करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। मामला है क्या? हाँ, एक व्यक्ति की डेड बॉडी कुदाल गांव में मिली है, लड़का है। उसको अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज रहे हैं, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अभी घटनास्थल पर रवाना हो रही है। पता करने की कोशिश करेंगे क्या कैसे मृत्यु हुई, सारे एंगल को देखा जाएगा। क्या ये मर्डर का मामला है या बंदे ने खुद ही जम करके आत्महत्या की है, किन परिस्थितियों में की है, सारी परिस्थितियों को देख करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर में बस इतना ही, बने रहें सीआईडी न्यूज़ के साथ।